अगर ये अमूमी देश हमारा जो आजाद के साथ न हो प्रवाहित करें तो फिर ये करार पर सूचना है। इसलिए कहा जाता है कि साथी जो है संजीदा नहीं है तो फिर जमात के लेकर वापस आ जाओ। और इसी तरह जो आसपास के मोहल्ले अल्लाह ने हमें कैसी तरतीब दी, कैसा निजाम दिया कि अपनी जात से लेकर अपने आमाल से लेकर फिर बच्चों के आमाल से लेकर दूसरे मोहल्लों में दूसरे इलाकों में पूरी दुनिया में अल्लाह ने इस्लाम को पहुंचा दिया। तो जो आसपास की मस्जिदें हैं उन मस्जिदों उन वहां उन मोहल्ले हैं उनमें काम कायम करने के लिए हमारा बैरूनी गश्त है। और बैरूनी गश्त की यानी कि गश्त के दिन हम चले गए तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितने साथी जितने वाले जुड़ने वाले वो सारे के सारे शरीक हों तो एक एक हफ्ते में हम कितने कितने जो है मोहल्लों को मिल सकते हैं। और अमूमी गश्त के गश्त के दिन हम पहुंच गए हमारा गश्त हो रहा है नहीं बल्कि जो रोजाना हमारे तहत होते हैं और तकाजे जो है वो शामिल होते हैं। एक तकाजा यह है कि एक जमात हमारी कुछ मस्जिद की तरफ जाए जहां हमने भट्टे अमूमी जो होता है मकान मंदिरों में गश्त करना है और उन लोगों से मिले एक एक दो से मिलकर कि जिस दिन गश्त का दिन हो तो अच्छा खासा मजमा वो समझ चुका हो तो वही लोगों की मेहनत वाले उनका क्या मतलब है नगर है वो किस लिए आ रहे हैं और वो हमारे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद हों और उनको हम अपने साथ शरीक करें तो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये ऐसे उसूल कि अगर हम इस पर आ जाए तो देर तो हमारी तरफ से है अल्लाह की तरफ से इस हिदायत की फैसले करें क्योंकि इस बारिश ने ठंड पैदा कर दी और सारी सुबह को साफ कर दिया जमीन जमीन कर दी सूर्य निकलने से रोशनी कि ऐसे लोगों की रोजियों पर उनकी आमाल की बरकत से फिर हिदायत की ऐसे हवाएं चलेंगी कि इलाके के इलाके बदल जाएंगे। तो पूरे हफ्ते बाद बोलते रहना और तीन चार हफ्ते उनके साथ गश्त करके उनको भी गश्त पर खड़ा कर देना और फिर अगले मस्जिद में अगर खुदा ना खासा ऐसे सूरत पेश आए तो पांच छह दफा हमने गश्त किया और कोई जमात की सूरत न बन सकी तो ये हमारी कमी है। फिर अगली मस्जिद में होते होते फिर बाद में उसको फिर दोबारा और मस्जिद में गश्त किया जाए। फरमाया जिस मस्जिद का जमात और मकामी जमात वो बैरूनी गश्त का एहतमाम नहीं करती वो अपने आप को इस काम वाला ना समझे। क्या हाल है जी हम दावत वाले हम तो पुराने साथी हैं अपने मकान पर काम करें भाई आपका अपना मकानी गश्त हो रहा है जो टूटी फूटी सूरत में हो रहा है आपका बैरूनी गश्त हो रहा है क्योंकि बैरूनी गश्त को बस अल्लाह माफ करे और मैं जिसका बैरूनी गश्त नहीं वो समझे के काम कोई नहीं तो ये करेंगे ना एहतमाम इंशाअल्लाह। जी हाँ ये जमा होना और फिर ये मुदाकरे इसीलिए है कि जो कमियां हमारे अंदर हैं उससे जो उसको हम पूरा करें और अल्लाह से मांगें और आइंदा इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो आसपास की बस्तियों में जो काम चालू हो उसके लिए 15-20 कोस के अंदर शहरोजे की जमातें लेकर जाना। अब महीने में एक शहरोजा है पहला तो फरमाते हैं कि भाई इस सतह पर अल्लाह हमें ले आए कि हर दो पुराने साथी पूरे महीने में 8 साथियों नए साथियों को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाए। हम सबके दीन की इस सतह कुर्बानी की सतह पर आने का जरिया वो जो पहला शहरोजा हम नहीं निकले और निकल कर हम गश्तों में निकले अल्लाह हमें फजल फरमाया आज हम 4 महीने वाले कहलवा रहे हैं और मुल्कों में सफर करने वाले और दीन के लिए कुर्बानी करने वाले इसलिए भी शहरोजा ये बहुत अहम चीज है। शहरोजे का भी अहतमाम आसपास की बस्तियों में हम शहरोजों को लेकर जाए और आसपास की बस्तियों में शहरोजे के जरिए वहां काम को खड़ा करें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अजमला एरिया सब रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह ने उनके काम खोला शुरू किया तो मेवात से काम शुरू किया दुनियावी एतबार से और उम्मी एतबार से और ज़ाहरी असबाब के एतबार से उस कौम में कोई सिफत ही नहीं क्यों इसलिए कि फ़ख्र फाखे का आम जमाना था रेतीले और पत्थरीले उनके इलाके थे बकरी चलाकर आम लोग जो है वन तमाम किस्म के लोग मौजूद थे आम लोग वो बकरियों से गुजारा किया करते थे फ़ख्र फाखा मौलाना लिया साहब रहमतुल्लाह उनने मेहनत शुरू की और दीन के एतबार से भी बहुत कमजोर लोग थे यानी कि उलमा और मशायख थे 10 साल की मेहनत के बाद पहली शहरोजे की एक जमात होती थी लश्कर और मेहनत के बाद 10 साल की और सुबह से शाम तक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थे
हम तो दो तीन हफ्ते बच्चों के दूसरे को मुंह को देखते हैं और पते लगाते हैं कि इनके दिल पत्थर हैं जो नहीं निकल रहे। जी हाँ, वो नहीं भाई, हमारी कमजोरी है, इलाज नहीं है। पानी का एक कतरा चट्टान पर गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे, वो खराब कर देते हैं और दावे से ज्यादा तो मजबूत के काम है ही।